इज डीएनए कॉपी जनरेटेड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन विल बी सिमिलर बट मे नॉट बी आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल, होता ही ऐसा ठीक है। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो इसको जस्टिफाई कैसे करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये समझो कि देखो जो आपका सेल होता है, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, और क्रोमोसोम्स में क्या होते हैं आपके डीएनए होते हैं। देख क्लियर हो गया, क्रोमोसोम्स में क्या होते हैं आपके डीएनए होते हैं, और डीएनए से क्या होता है इनहेरिटेंस इंफॉर्मेशन। और अब ये जो अबव इंफॉर्मेशन होती है आपकी, इट डिपेंड व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रोटीन विल बी मेड इन अ सेल। ये किस पर डिपेंड करते हैं कि जो सेल प्रोटीन बना रहे हो किस तरह का, यानी कि सेल में जो प्रोटीन बनेगा वो किस तरह का बनेगा, समझ में आ रही है। और जो प्रोटीन होता है इसी पर बॉडी का डिजाइन और फीचर डिपेंड करता है। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया था। डीएनए के थ्रू ही पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में इंफॉर्मेशन जाती है, ठीक है। और ये जो पूरी इंफॉर्मेशन होती है ऑन अबव इंफॉर्मेशन, इसी इंफॉर्मेशन पर डिपेंड करता है कि प्रोटीन किस तरह का बनेगा सेल में। अब ये जो इंफॉर्मेशन जा रही है सिर्फ एक मेल पार्टनर की तो जा नहीं रही है, मेल और फीमेल दोनों की कंबाइन होके जा रही है इंफॉर्मेशन, थोड़ा समझ पा रहे हो इस चीज को। और इसी इंफॉर्मेशन में वो प्रोटीन बनेगा, और वही प्रोटीन जो होता है उसी पर क्या होता है बॉडी डिजाइन और फीचर आपके बनते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब होता क्या है, देखो इस चीज को समझो आप, होता ये है आपका कि ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन व्हेन डीएनए कॉपी, अब रिप्रोडक्शन में जब डीएनए कॉपी होता है, वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सेल। तो सेल में बहुत ज्यादा बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, ये 100% एक्यूरेट नहीं होती है रिएक्शन, विच आर नॉट परफेक्टली एक्यूरेट। ये जो रिएक्शन होती है परफेक्टली एक्यूरेट नहीं होती है, दैट इज इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन नॉट कॉपिंग विद 100% एक्यूरेसी, जिसकी वजह से जो इंफॉर्मेशन होती है पूरे 100% एक्यूरेसी से कॉपी नहीं हो पाती। बेसिक फीचर तो हमारे हमारे पेरेंट्स की तरह तो एग्जैक्टली तो नहीं है ना, डिटो कॉपी तो नहीं होते, ड्यू टू दिस स्लाइटली डिफरेंट प्रोटीन प्रिपेयर। तो प्रोटीन जो होता है वो पहले वाले से थोड़ा अलग हो जाता है, वो प्रोटीन पर ही क्या डिसाइड करता है आपका बॉडी डिजाइन और फीचर्स, विच क्रिएट स्लाइटली डिफरेंस इन द न्यू ऑर्गेनिज्म। पहले कंसेप्ट समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब इस चीज को आपको लिखना किस तरह से एग्जाम में, अब ये समझो। द डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म ऑल्सो कॉल्ड द डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस राइट आर हाईली प्रिसाइज बट दे आर नॉट कंप्लीटली एक्यूरेट। एक्यूरेट इन द सेंस जो बायोकेमिकल रिएक्शन होती है वो एक्यूरेट नहीं होती है। आप इसको उस चीज से रिलेट कर पा रहे हो कंसेप्ट से, ठीक है, कंसेप्ट से रिलेट करके देखो। ईच टाइम व्हेन द डीएनए इज कॉपी, जब भी डीएनए कॉपी होता है सम चेंजेस और मिस्टेक्स माइट टेक प्लेस, किसमें, बायोकेमिकल रिएक्शंस इन इंफॉर्मेशन ऑफ द न्यू डीएनए स्ट्रैंड, दीज मिस्टेक्स अकाउंट फॉर द वेरिएशन। इन्हीं की वजह से क्या होता है वेरिएशंस आते हैं दैट अकर अमंगस्ट द इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दीज चेंजेस इंक्रीज इन रेट ऑफ ऑक्यूरेंस ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू इंडिविजुअल्स विद डिफरेंट पैटर्न ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। दो पेरेंट्स और मतलब कि मेल और फीमेल पार्टनर से जो होता है वो इंफॉर्मेशन वो होती है, और इंफॉर्मेशन पे क्या डिपेंड करता है प्रोटीन, प्रोटीन जो होता है और उसी में मतलब उसका मतलब क्या हो गया, जो वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस होंगी, ठीक है। द वेरिएशंस हेंस क्रिएटेड आर यूनिक इन नेचर, दस द डीएनए कॉपीज जनरेटेड आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल। समझ में आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन।